हेलो स्टूडेंट्स, टीम स्टार्ट कर रहे हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, एक वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट वन, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को बताया है, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना तेज होगा। सो हाँ, आप ही लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो 9.1 में आज हम लोग एक्सरसाइज डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जहाँ तक होगा पढ़ाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा वीडियो को देखते हुए, ऐसा नहीं कि आप लोग मूवी नहीं चल रही है, कि आराम से तकिया लगा के बैठे हुए हैं। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे उससे खास रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, कि पहले जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि हम वैसे भी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे बढ़िया से ही, फिर भी मेरा सजेशन है कि आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 फीट लंबी रस्सी पर चल रहा है, ठीक है ना, जो कि टाइटली स्ट्रेच है, यानी कि वो खिंचा हुआ है, बहुत जोर से खिंचा हुआ है, और वो रस्सी बांधा गया है, टाइट बांधा गया है। कहाँ से जी? वर्टिकल पोल से। अब जानते हैं कि वर्टिकल पोल ये होगा, हॉरिजॉन्टल पोल ये होगा, और पोल हमेशा वर्टिकल ही होता है, ठीक है ना, पोल खड़ा है जमीन पर, लेटा नंबर नहीं है। उसके टॉप से बांधा गया है कहाँ? ग्राउंड तक। कि मान लो डायग्राम यहाँ बनाएंगे, अगर ये मान लो पोल हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा पोल हो गया, तो पोल के टॉप से बांधा गया रस्सी को कहाँ? जमीन तक खींचकर, ठीक है ना, टाइटली, ये हमारा रस्सी हो गया, टाइटली स्ट्रेच हो गया। तो पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की ऊंचाई कितनी होगी इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ग्राउंड लेवल से रस्सी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। देखो पहले दिया था ये रस्सी की लंबाई हो गई, ये दिया हुआ है 20 मीटर। हालांकि ये फिगर 9.11 यहाँ पे आपको बताया भी गया है, फिर भी हम आपको समझा के, क्वेश्चन समझा के यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस चैप्टर में आपको खास करके 10-30, 10-60 ये सब की आपको जरूरत पड़ेगी मान की, ठीक है ना। 10-60 का मान होता है 1/√3, याद करा देते हैं एक बार फिर से हम, और 10-60 का मान होता है आपका √3। ओके, और 10 थीटा होता है आपका P/B, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको ये हाइट निकालना है, ये निकालना है, तो यहाँ पे ये मान लो P हो गया, ये एंगल यहाँ पर है, तो ये P हो गया। अब देखो यहाँ पर ये B का केस दिया हुआ नहीं है, ये B होता है ना, और ये हमारा H हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एच कहते हैं। तो पी बाय एच का यहाँ पे कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो पी बाय एच किसका होता है? पी बाय एच अगर लिखेंगे तो ये होता है आपका साइन थीटा का, ठीक है ना। तो यहाँ में साइन थीटा जरूरत पड़ गई है। हालांकि इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज में आपका यहाँ पर 10 थीटा 10-60 के मान की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, थोड़ा हम इधर कर देने को, आपको दिख नहीं रहा था। पी बाय एच में क्या होगा यहाँ पे? पी बाय एच मतलब क्या होता है? साइन थीटा, पता है सबको। चलिए, अब यहाँ पे साइन थीटा जब क्या लिखेंगे? साइन कितना एंगल यहाँ पर है, इसको बताते हैं। साइन कितना एंगल यहाँ पर है? साइन 30 है यहाँ पर, तो साइन 30 डिग्री। पी कितना हो जाएगा बाबू? पी का पी मालूम नहीं है, पोल का हाइट। एच कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। और आपको बढ़िया से पता होगा कि साइन थीटा का मान आप लोग भूल गए होंगे, साइन 30 का मान कितना होता है? हम याद दिला दें कि साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर P/B, याद कर लो, लपड़िया बढ़िया से जाकर, ठीक है ना, याद कर लो। कितना हो जाएगा ये? 2P बराबर हो जाएगा 20, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 10। कटेगा तो उससे 20 कटेगा ना, तो यहाँ पर 10 मीटर, मीटर में था यहाँ पे, यानी कि 10 मीटर, यानी पोल की हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 मीटर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन यहाँ पर। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि तूफान से पेड़ क्या हुआ? टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कुछ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक नहीं 100 बार पढ़ो। ओके, वो डायग्राम बनाओ यहाँ पर। चलिए मान लीजिए ये आपका ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड हो गया तो आपका मान लो ये पेड़ है, ये मान लो पेड़ है, ठीक है ना, ये आपका गाछ हो गया, पेड़ हो गया। इस पेड़ को चलो मान लेते हैं कुछ इस तरह से, कि मान लो ये पेड़ है आपका। अब देखो क्या हुआ कि पेड़ स्टॉर्म से टूट गया, आंधी आई, आंधी आई वेग से चारों ओर छाई में, ओहे माझी नाव को चलाओ, ठीक है ना, बहुत ही फेवरेट गाना था हमारा ये, किसी टाइम में आपके स्कूल में सीखे थे हम। ओके, तो ये
पेड़ टूट गया, मान लो पेड़ चलो यहाँ से टूट गया, ठीक है ना, पेड़ यहाँ से हमारा टूट गया मान लो, और बोल रहा है जो टूटा हुआ जो डाली है ना ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी होता है ना पेड़ देखते हो ना जी, पेड़ क्या होता है, पेड़ टूटता है तो टूट के झुक जाता है नीचे ना, तो ये झुक जाता है नीचे यहाँ पर, तो यही यहाँ पे मान लो झुक गया, ठीक है, ये पेड़ मान लो टूट के यहाँ पे नीचे झुक गया। अब पेड़ यहाँ पे मान लो टूटा तो पेड़ ये पोर्शन जो होगा ये पोर्शन मान लो यहाँ झुकेगा यहाँ तक, यानी कि डायग्राम हमारा कुछ जो बनेगा, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। चलिए हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं, डायग्राम हालांकि कुछ बनेगा हमारा इस तरह से, ये जमीन हो गया, पेड़ यहाँ से मान लो टूटा है और ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक सट गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पे, फिर से देखिए, ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। जो ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से, ट्री का फुट यही हुआ ना, यानी जड़, ट्री का फुट यहाँ हो गया, उसका टॉप जो टच कर रहा है उन दोनों का दूरी दिया हुआ है कितना जी, 8 मीटर, तो ये 8 मीटर दिया हुआ मान लो, ये हो गया। तो पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट कितनी होगी, ट्री की हाइट कितनी होगी, पहले निकाल लेते हैं इसको हम लोग, ये मान लो अगर एक्स मान लेंगे तो ट्री का हाइट तो पूरा जाएगा ना, ये एक्स और ये वाई का जोड़ जो होगा वही ट्री का हाइट होगा ना, क्योंकि ट्री तो पूरा इतना बड़ा था ना, ट्री तो ये तो पहले से यहाँ था ना, ये तो टूट के यहाँ से गिरा यहाँ पर, तो ट्री का हाइट क्या होगा, एक्स प्लस वाई। अगर ट्री की हाइट की बात करें यहाँ पे हम, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, ट्री की हाइट की बात करें यहाँ पे हम, ये हो जाएगा ट्री का हाइट हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, ओके ये हो जाएगा, ये निकालना है हमको। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, आपको पता है कि मान लो नाम दिए ए बी सी, नाम दे दिए। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो टेन थीटा लिखते हैं हम, अगर मान लो हम टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू होगा आपका पी बाई बी, पी यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया, बी यानी कि ये वाला हो गया, पी बाई बी यानी एक्स बाय एट, ओके। टेन थीटा का मान कितना होता है, 1/√3, पहले बताएं आपको काम पड़ेगा, ये हो गया एक्स बाई एट, यानी यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा बाबू बताओ, एक्स का मान हो जाएगा आपका 8√3 x हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 1 8 हो गया, यानी यहाँ से एक्स का मान बनेगा 8/√3। इसको भी रखोगे साइड में, ठीक है ना, स्लाइस इसको कर सकते हैं, अभी रखते हैं इसको। वाई का मान निकालेंगे अगर हम लोग, मान लो वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो सकता है, वाई का मान क्या होगा, अब देखो वाई का मान में यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है ना, एच है ये वाला और ये बी है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाय बी, एच बाय बी, बी से रिलेशन निकालना है ना, कॉस से निकाल सकते हो, तो चलो एक काम करते हैं कॉस रिलेशन निकालते हैं यहाँ पर हम लोग, तो कॉस यहाँ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, बी बाय एच, बी यानी कि बी यानी एट, एट हो गया, एच यानी कितना हो गया वाई, मालूम नहीं हमको है, वाई हो गया, ओके। अब यहाँ से कॉस 30 का मान, फिर वही लफड़ा, जानते नहीं सर, याद ही नहीं है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 यहाँ पे कर दिए, 8/y यहाँ पे कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो √3y = हो जाएगा 16, होगा ना दोनों तो 16, तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा, 16/√3, तो y का मान ये निकल गया, x का मान हमारा ये निकल गया, टोटल पूछा गया था पेड़ का मान, तो पेड़ का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दोनों हो जाएगा ना, x प्लस वाई दोनों हो जाएगा, x प्लस वाई तो जोड़ देते हैं, x प्लस वाई जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 8/√3 + 16/√3, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका तो √3 √3 √3 हो गया, यहाँ से 8 + 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मिला के कितना हो जाएगा बताओ, 16 8 24√3, 24√3 जब होगा तो 24√3 को रेशनलाइज कर दो √3/√3 से, कितना हो जाएगा बताओ, 24√3/√3, कितना होता है, 3 होता है ना, 3 × 8 यानी कि हो जाएगा आपका 8√3, ये आपका हो गया गाज का लंबाई मीटर आंसर। हम यहाँ वहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप अरेंज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि तो मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा और थोड़ा जल्दीबाजी में हम आ जाएँ इसीलिए, ओके।
बाकी आपको खुद से लिखना होगा कि लेट ए सी इज द ब्रोकन पार्ट या सी बी इज द ब्रोकन पार्ट, डिस्टेंस ऑफ ए बी 8 मीटर, या आपको खुद से लिखना होगा, इतना आप कर सकते हैं खुद से। ओके, हम आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बस बता दे रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 हम क्लास में हालांकि करवा दिए थे, 3 हम क्लास में करवाए थे, 3 बताएंगे नहीं, प्लेन वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, जहां से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अब एंगल एलिवेशन पूछना नहीं कि क्या है सर, क्योंकि ये पहले वीडियो में हम बढ़िया से डिस्कस किए हुए हैं, फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, एलिवेशन, ठीक है, जो जिस कौन से हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है ना, उन्नत कौन कहते हैं इसको। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, पहले तो ग्राउंड का फोटो छापो। देखो डायग्राम बनाने का नियम है, ग्राउंड का फोटो हम डायग्राम कर लिए, ग्राउंड बना लिए, अब टावर है यहाँ पे, तो चलो टावर यहाँ ड्रॉ कर दिए। ओके, टावर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ तक जी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड किसी पॉइंट से, टावर का टॉप ये हो गया, ग्राउंड का पॉइंट मान लो ये हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो कितना गया दिया हुआ है, 30 डिग्री। अच्छा, इसमें चीज़ और कहा गया है, विच इज ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो है कहाँ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ये पॉइंट जो है ये 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर ये है, ठीक है ना। तो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा, ये टावर हो गया मान लो, इसको एक्स मान लिए, जब इसको एक्स मान लिए तो सीधा सा बात ये बन जाएगा, इसको मान लो ए मान लिए, बी मान लिए, पॉइंट को सी मान लिए, तो बस यहाँ लगा दीजिए अपना तिकड़म बाज, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी, थीटा यहाँ है, पी तो सामने हो जाएगा एक्स, बी सामने हो जाएगा ये 30, ठीक है, टेन 30 का मान बच्चा बच्चा को पता कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू एक्स बाय 30 हो गया। यहाँ से एक्स का मान निकालना है बाबू, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इक्वल टू क्या होगा, 30 × 1 30 हो गया। यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। अब चूंकि देखने में अच्छा लग नहीं रहा है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज क्या करना होता है, देखना ध्यान से, यहाँ पर एक्स बराबर 30/√3 लिखा है ना, √3 से गुना कर दो, √3 से भागा कर दो, कटेगा तो वही आ जाएगा ना। अब ये दोनों मिलकर कितना दे देगा, ये मिलकर दे देगा 3, आपको पता होना चाहिए √3 कितना होता है, 3 होता है, क्यों होता है सर, क्योंकि √3 कितना होगा, √9 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हुआ ना, तो ये हो गया 30√3 बाय कितना निकला, ये 3 निकला ना, अब 3 से ये काट दो 10, कितना हो गया एग्जैक्ट, एक्स बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये, मतलब कि टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये टावर का हाइट जो एक्स मानित है ये कितना निकलेगा, 10√3 आंसर, ठीक है ना। लिखने वाला काम खुद कर लेना कि लेट बी सी द हाइट ऑफ द टावर, हम बता दे रहे हैं आपको, एंड ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, देयर फोर एंगल सी ए बी इक्वल 30 डिग्री, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी सॉल्व भी किया हुआ है किताब में, आप वहाँ से थोड़ा हिंट कर लेकर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर देखो, यहाँ पर ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ये मान लो ग्राउंड, देखो डायग्राम बनाने सीखो पहले, डायग्राम बनाने पर सीखो पहले, चलो यहाँ बनाते हैं, ग्राउंड पहले, पहले तो ग्राउंड बनाओ तरी तो पहले मारेंगे, ठीक है ना, ये हमारा ग्राउंड हो गया बाबू, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना, मान लो ये ग्राउंड हो गया, पतंग मान लो यहाँ पर है, ये दूरी कितना है जी, ये वाला 60 मीटर है, ये 60 मीटर दूरी है, पतंग हमारा यहाँ पर है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड, ठीक है ना, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो धागा इससे बंधा हुआ है स्ट्रिंग जो है वो टेम्परली हमने ऐसे बांध दिया गया है, कहाँ, ग्राउंड के, ग्राउंड में किसी पॉइंट से, मान लो ग्राउंड यहाँ पर है, ग्राउंड ये पूरा हो गया, ग्राउंड का पॉइंट मान लो उठो यहाँ है, यहाँ से पतंग में क्या क्या धागा बांध दिया, पतंग तो ऐसे उड़ता है ना, तिरछा उड़ता है ना, पतंग सीधा तो कभी उड़ा है, पतंग कभी ऐसे उड़ता है क्या, पतंग हमेशा सीधा तिरछा उड़ेगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ है बांध दिया गया है, ये बांध के कहीं चला गया लड़का वो, ठीक है, खेल लेंगे क्या होगा, पबजी उबजी खेलने के लिए, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा या तार जो बोलो, इसका इंक्लिनेशन जो झुकाव है विद द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर, ये तार का जो झुकाव है ग्राउंड की ओर, इंक्लिनेशन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 60 डिग्री, यानी ये दिया हुआ कितना जी बाबू आपका 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
एज्यूमिंग डैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लंबाई निकालिए आप। ये स्ट्रिंग हो गया, धागा यही था ना, धागे की लंबाई निकाल लो। मान लो कि वहाँ पे कोई गांठ नहीं उसमें है, माने कि कहीं गांठ होता है धागा, मान लो धागा को 20 बार यहीं मोड़ेंगे आप, तो लंबाई तो अगला कम ज़्यादा बढ़ेगा ना जी। तो बोला गया कि यहाँ पे कहीं पे मुड़ा हुआ नहीं है, कहीं गांठ उठ नहीं है, ठीक है, एकदम टाइट है। तो कितना हो जाएगा, क्या है, सिंपल है, देख के वहाँ तो लोग, तुम लोग का नहीं गया हुआ था उससे बेसिक ज़्यादा। ए बी सी अगर मान ले, मान लो इसको हमको ये हाइट निकालना, ये वाला ये निकालना है ना, ये हमको चाहिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही होगा ना, ये सिर्फ यहाँ 60 दिया हुआ है, हमको ये चाहिए। तो ये थीटा के सामने वाला इसको पी कहते हैं, और ये चाहिए हमको इसको एच कहते हैं। तो पी और एच किसका रिलेशन होता है बताओ बाबू, साइन में आता है ना पी बाय एच, हम जानते हैं कि साइन थीटा कितना होता है, पी बाय एच होता है। तो कर दो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर पी, पी यानी कितना 60 मीटर है, एच यानी कितना, एच पता नहीं है, ए सी लिख दो, ए सी आप वहाँ पे एच भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 60 मान ले पंगा, ये उन्हें पता हमको साइन 60 मान कितना होता है, तो हम बता रहे ना, हम हैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। साइन 60 मान होता है √3/2, हमको पूरा भरोसा आप लोग पे है। तो √3/2 हो गया बराबर 60/AC हो गया, हमको AC का हाइट चाहिए ना, यहाँ से क्रॉस कर लोगे, AC गुना √3, AC गुना √3 बराबर 60 गुना 2, ये हो गया। बाबू लोग के लिए पूरा कर देते हैं, लोग तो आधा भी नहीं करेगा पूरा। 60 गुना 2/√3 हो गया, फिर से वही पंगा हो गया, किससे √3 आ गया। अरे √3 नीचे आ गया तो √3 से गुना, √3 से भाग कर दो ना बाबू, रसलाइज कर दिए ना इसको, रसलाइज जब इसको मान लो कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 60 गुना 2 गुना √3, और ये निकलेगा √3, √3 कितना होता है, √3 √3 3 हो गया, 3 से 20 बार खत्म, ठीक है। क्या निकल, AC का ही निकल रहा है ना ये हमारा काम, तो AC बराबर कितना निकलेगा, ये 20 गुना 2 40√3 क्या मीटर, तो 40√3 मीटर क्या निकला मेरा, ये AC का मान निकला। और AC किसको माने थे हम लोग, AC माने थे यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई को, धागे की लंबाई कितनी हो गई 40√3 मीटर। ओके बढ़ता क्वेश्चन 5 की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 नंबर नहीं 6 नंबर देखिए। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है, कितनी दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग भी जमीन पर बनेगा, लड़का भी जमीन पर खड़ा रहेगा, ये जमीन हो गया मान लो, ठीक है ना, जमीन हो गया मान लो, और हमारा ये लड़का हो गया। पहले बिल्डिंग बना लेते हैं, पहले क्या बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट तो कुछ ऊंचे रहेगा ना, ये मान लो बिल्डिंग हो गया, ओके ये बिल्डिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या है, लड़का एक सामने खड़ा है कितना मीटर पे जी, 30 मीटर दूरी पे खड़ा है ना। स्टैंडिंग इट इज सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा, यहाँ एक मिनट, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके, यानी कि बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर लंबा बिल्डिंग, बो आप ले अच्छा लंबा है जी, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो मान लो लड़का यहाँ खड़ा है, मान लो इस जगह पे लड़का का हाइट मान लो कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लड़का का हाइट मान लो है, ठीक है, लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है 30 मीटर लंबा बिल्डिंग से, ठीक है, चलो यहाँ तक बात सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, समझ में कुछ नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, फिर से पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसके आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, बिल्डिंग के टॉप पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिखा हुआ ना, बढ़ता है, इंक्रीज करता है कहाँ, 30 डिग्री से 60 डिग्री, जब हुआ एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग के तरफ जाता है वो। अच्छा एक बात बताओ, लड़का जब यहाँ खड़ा है तो लड़का का आँख कहाँ होगा, पैर के पास, ठीक है ना, पैर के पास होगा, क्या लड़का का आँख उसके माथे के पास होता है, यहाँ पे नाक के ऊपर, देख लो चेक कर लो। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बोला है, बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग का टॉप मान लो ये वाला होता है, चलो अलग सा पेन यूज करते हैं आप लोगों के लिए खास करके। तो यहाँ लड़का का आँख से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान लो अभी बोला गया है पहले 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री है, ठीक है ना, और ये बढ़ जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है जब वो लड़का बिल्डिंग के तरफ जाता है। मान लो लड़का चला, मान लो लड़का लड़का होता है एक जगह तो रुकेगा नहीं, मान लो लड़का चल के मान लो यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, लड़का मान लो अभी चल के यहाँ आ गया, उसका आँख को यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो
यहां से अगर वो बिल्डिंग के टॉप पर देखता है, बाबू ध्यान देना, यहां पर यहां से बिल्डिंग का टॉप अगर देखेगा, मान लो यहां से अब चल के यहां पर आ गया, तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसका है ना, वो बढ़ जाता है कितना, 30 से कितना हो जाता है, यहां पर 60 डिग्री हो जाता है। ये क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है ना। तो पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के तरफ कितना गया हो, यानी यहाँ लड़का पहले खड़ा था, तो यहाँ से यहाँ जो पहुंचा भी, जो एंगल 30 से 60 बन गया, ये दूरी कितना निकला, ये कितना दूर गया, ये पूछा गया है। ओके, यही सवाल यहाँ पर पूछा गया आपको। कुछ नहीं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी मान लो, ठीक है, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, चलो मान लें, क्या है, ए बी सी डी हम लोग पूरा पढ़वे किए हैं, हमको ये मेरा मेन मकसद है, इसको निकालना, ये किस निकलेगा। अब सोचो यहाँ पर, थोड़ा समझो यहाँ पर, बात को थोड़ा समझो, समझना क्या है यहाँ पर। देखो ये 1.5 मीटर लंबा, मान लो ये 1.5 मीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा ना, कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। जब 1.5 मीटर मान लो ये होगा, तो ये कितना बचेगा, ये वाला 30 पूरा था, 30 में गया 1.5, कितना बचेगा, 28.5। भरोसा नहीं होगा, हमको पता है, देख लो, 30.0 पहले था, 1.5 इसमें घटा दिए, मान लो 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, 2 28.5 बचा ना, तो इतना दूरी हो गया 28.5 हो गया यहाँ से यहाँ, और ये हो गया 1.5, ठीक है। हमको ये निकालना है, पहले मान लो ये ट्रेंगल ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काम करते जाइए, ट्रेंगल ई सी जी में, ट्रेंगल ई सी जी में निकालना हमको ये है, लेकिन पहले हम इसको निकाल लेते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाए। ट्रेंगल ई सी जी में क्या होगा जी, 10 60 का मान, 10 60 बराबर क्या होगा, पी बाय बी, पी यानी सामने वाला, ये लिख देते हैं, मान लो सी जी बाय बी यानी क्या, ई जी, ये हो जाएगा। 10 60 में कितना होता है, √3 होता है, सी जी का मान मालूम है 28.5, अभी निकालें तुरंत, बाय ई जी, ई जी मालूम नहीं है जी, हाँ ई जी मालूम नहीं है जी, ठीक है जी। अरे बाप रे बाप, क्या क्या शायरी बन रहा है जी, क्या क्या शायरी बन रहा है जी। देखिए ई जी बराबर हो जाएगा, ई जी यहाँ आएगा, तो 28.5 बाय √3, √3 ये हो गया, फिर से वही काम स्लाइस कर दो, कर दिए, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, देखो 28.5 गुना √3, ये 3 बन गया, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 में 27, 28 3 5 15, 9.5 गुना √3 आया, यानी कि ई जी का मान कितना आया जी, ई जी का मान आया जी 9.5 √3 आया जी मीटर। इसको रखते हैं, अभी काम लगेगा ये हमको, ठीक है ना। ई जी का मान यानी ई जी हमारा ये वाला हो गया जी, इसका मान कितना आया जी, 9.5 आया जी, 9.5 √3 आया जी, ठीक है ना जी, बोलिए जी, बोलिए जी, ठीक है ना जी। हाँ अब देखिए जी, अब लेते हैं ट्रेंगल ई सी जी, बड़ा वाला ट्रेंगल, देखिए फिर से वही जी आ गया, ट्रेंगल यहाँ ट्रेंगल ई सी जी, ट्रेंगल एफ है, ठीक है ना, ये एफ है, ट्रेंगल एफ बड़ा वाला ट्रेंगल सी जी, 10 30 लेंगे जी, 10 30 बराबर क्या होगा जी बताइए, पी बाय बी होगा ना जी, पी ये वाला हो गया, पी यानी कि सी जी, सी जी बाय बी यानी क्या जी, एफ जी पूरा ना, पूरा एफ जी, 10 30 का मान होता है 1 बाय √3, सी जी का मान कितना हो जाएगा जी बताइए, सी जी, सी जी का मान 28.5, और एफ जी का मान कितना होगा जी, एफ जी का मान कितना होगा, इतना तो निकल गया 9.5 √3, और ये जो मान ये होगा बाबू, वही मान यही होगा ना जी, पैरेलल है ना ये, यहाँ लिखेंगे 9.5 √3 प्लस एक्स, कैसे 9.5 √3 प्लस एक्स पूरा हो गया, इस एक्स का मान को निकालना है जी, यही था जी, इसको सॉल्व कीजिए जी। अब इसको हम कर दें जी, हम ही कर देते हैं जी, ये पूरा गुना होगा ये 1 के साथ, यानी हो गया जी 9.5 √3 प्लस हो गया जी एक्स, और ये हो जाएगा जी 28.5 √3। अच्छा लग रहा है ना जी, हम ही करते हैं फिर जी, एक्स का मान निकालना है जी, एक्स को यहीं रखिए, इसको उधर ले जाइए जी, हो जाएगा जी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक
है जी। अभी फिर हम ही कर दें जी आगे। √3 √3 कॉमन होगा जी, या 28.5 √3 में जी 9.5 √3 घटेगा, कितना बचेगा जी देखिए यहाँ पर, 28.5 √3 में 9.5 √3 घटेगा जी, कितना बचेगा देखिए जी, √3 √3 हो गया, 0 हो गया जी, 18 हो गया, 9 बचेगा जी, 19 जी, 19 √3 बचेगा जी। अब इसने इस सेम आ रहा है जी, तो √3 कॉमन ले लीजिए जी, 28.5 - 9.5 देखिए जी कितना बचेगा, ये सब हो जाएगा मान लो 19, ठीक है ना, 19 हो जाएगा, हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये क्या निकला जी मेरा, ये मेरा निकला एक्स का मान, और एक्स क्या माने थे जी हम लोग, कि कितना दूर लड़का बिल्डिंग की तरफ गया जी, ये लड़का बिल्डिंग की तरफ गया है 19 √3 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया कंप्लीट। बाकी लिखना लिखना लिख लीजिएगा लैंग्वेज आप लोग, फलना ट्रायंगल ने ये कहा, उसने इतना दूर गया, एंगल रिलेशन ये हुआ। ओके जी, चलिए जी 6 नंबर तो क्वेश्चन बना लिए जी हम लोग, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 जहाँ तक होगा जी वहाँ तक करेंगे। तब तक बाय बाय जी, गुड नाइट जी। ओके जी, तब तक अच्छा, और एक चीज़ जी, ये पूरा बना के हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके जी, नंबर सबको पता है, ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, एक एक चीज़ समझ के। ओके जी, चलिए जी, बाय जी।